नौवीं कक्षा में हमारा जो पाठ चल रहा था खाद्य संसाधनों में सुधार, तो अब हमने पहला स्टेप देखा था कि किस प्रकार हम संसाधनों को किसका समुचित व्यवस्था कैसे कर सकते हैं। अब इस भाग में हम पढ़ेंगे फसल उत्पादन प्रबंधन, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और शुरू से ही यहाँ का जो व्यवसाय रहा वो कृषि ही रहा। तो हम चाहते हैं कि आर्थिक परिस्थितियाँ जो कि घटती बढ़ती रहती हैं, तो किसान लोग विभिन्न कृषि प्रणालियाँ को अपनाएं और कृषि तकनीकी को अपनाएं, जिससे कि उनका जो फसल है वो बहुत अच्छे, फसल उत्पादन है वो बहुत अच्छे से हो सके। तो हम चाहते हैं कि बिना लागत उत्पादन, अल्प लागत उत्पादन तथा अधिक लागत उत्पादन, ये बहुत सारी ऐसी प्रणालियां हैं जिनसे कि हम फसल का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कर सकते हैं। तो फसलों को कुछ प्रमुख पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जो कि वो जमीन से लेते हैं। जमीन में यदि कमी रहती है तो हम उनको ऊपर से भी उर्वरक के रूप में डालते हैं। तो कुछ तत्व ऐसे हैं जिनकी मात्रा ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, तो उन्हें हम बोलते हैं वृहत पोषक तत्व, मतलब बड़े मात्रा में, और कुछ तत्वों की आवश्यकता कम मात्रा में होती है तो उसको कहते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। तो ये तत्वों के बारे में आप जानते हो, इनके संकेत भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो पौधों की हवा, पानी, मिट्टी तो उनको मेन है और उनको मिल भी जाती है। हवा से आपको उनको कार्बन मिल जाता है, ऑक्सीजन। पानी का सूत्र है आपको मालूम है H2O, तो इनको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलती है, और मिट्टी में ये सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो ऐसे 16 पोषक तत्व हैं। कितने हैं? 16। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 7 8 9 10 11 12 13, 13, और ये आप देख रहे हो 14 15 और ये 16। इस प्रकार 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन वो हवा पानी से ले लेते हैं, और जो 13 पोषक तत्व हैं वो मिट्टी से लेते हैं। इनमें से जो 6 हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, इनकी ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें बोलते हैं वृहत पोषक तत्व। और जो 7 हैं, आयरन, एफी, मैग्नीज, बोरान, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, ये कम मात्रा में आवश्यकता होती है, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि सूक्ष्म पोषक तत्व और वृहत पोषक तत्व किसे कहते हैं, और इनके आप नाम लिखिए। और यदि ये पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो पेड़ पौधों में, मतलब बीमार हो जाते हैं, उनमें वृद्धि और उनके रोगों के प्रति प्रवृत्ति पर उनका मतलब समुचित विकास नहीं हो सकता। तो या तो मिट्टी में इन्हें हम खाद के रूप में या उर्वरक के रूप में मिला देते हैं, यदि मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नहीं है। अब हम पढ़ते हैं खाद के बारे में। तो खाद और उर्वरक में थोड़ा सा अंतर है। खाद एक प्राकृतिक चीजों से बनाई जाती है, और जो उर्वरक है, फर्टिलाइजर्स जो हम, ये कारखानों में बनती है। तो जो खाद है उसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्यादा होती है और यह अल्प मात्रा में पोषक प्रदान करते हैं। अब ये खाद बनती कैसे है? ये जंतुओं और पेड़ पौधों के जो अवशिष्ट पदार्थ है, कचरा, पौधों का जो कचरा है, जंतुओं के जो अपशिष्ट पदार्थ है, ये सब मिट्टी में मिल जाते हैं और इस प्रकार ये खाद बन जाती है। और खाद में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा मिट्टी की संरचना में सुधार करती है, मतलब ये मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी की जो क्वालिटी है उसको भी बढ़ाती है। और जो रेतीली मिट्टी है जिसमें पानी नहीं सोख पाते हैं, तो पानी भी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। चिकनी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा पानी को निकालने में सहायता करती है। चिकनी मिट्टी में यदि पानी ज्यादा हो जाता है तो ये जो कार्बनिक खाद है ये पानी एकत्रित नहीं होने देती। तो
जो खाद हम बनाते हैं, आजकल सरकार ने भी बताया है कि जहाँ पर ये अपना फलों और सब्जियों का छिलका ज्यादा निकलता है, या घरों में भी एक कंपोस्ट किट प्रदान की जाती है कि आप घर में भी जैविक कचरे का उपयोग करके खाद बना सकते हैं। इससे उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग की आवश्यकता, जहाँ यदि हम जैविक खाद का उपयोग करेंगे तो हमें उर्वरक की आवश्यकता नहीं होगी और पर्यावरण भी क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो हम खाद को दो भागों में बांट सकते हैं, एक कंपोस्ट तथा वर्मी कंपोस्ट खाद और एक हरी खाद। कंपोस्ट वर्मी मतलब जो अवशिष्ट पदार्थ हैं, मलमूत्र, गोबर, ये सब्जी के छिलके, जानवरों द्वारा परित्यक्त चारे, घरेलू कचरा, सीवेज कचरा, फेंके हुए खरपतवार, इनको गड्ढों में क्या कर देते हैं, भर देते हैं, और इस प्रकार कुछ समय बाद वो मिट्टी में मिल जाते हैं और उनका अपघटन हो जाता है। और इस प्रकार कभी कभी इस कंपोस्ट खाद में हम वर्मी, वर्मी मतलब एक प्रकार के केचुए, कंपोस्ट को ये केचुए भी डाल देते हैं, तो ये केचुए आसानी से खाद को क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं पोषक पदार्थों को। तो इस प्रकार जब इसमें केचुए भी मिला देते हैं तो इसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो ये जो कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट है, ये हमारे भारतीय में ये पुराने समय से चला आ रहा है। दूसरा है कि हरी खाद। हरी खाद के लिए क्या है, कुछ लंबी पत्तियों वाले फसलों को हम उगाते हैं, जैसे पटसन, मूंग, ग्वार, और फिर क्या करते हैं, जब ये हो जाते हैं तो इनको हल चलाकर या दबाकर मिट्टी में मिला दिया जाता है। तो ये सारी पत्तियां और पौधे मिट्टी में मिल जाते हैं और ये पौधे हरी खाद में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार हरी खाद से भी हम भूमि को कार्बनिक पदार्थों में मात्रा बढ़ा सकते हैं और इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस ज्यादा मात्रा में मिल सकता है। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बनेंगे कि जो खाद क्या है और खाद को कितने भागों में बांटा गया है, हरी खाद और एक कंपोस्ट खाद, और इससे प्रश्न भी आएंगे। फिर है, अब हम पढ़ेंगे उर्वरक के बारे में। उर्वरक जो कि कारखानों में बनता है, उसमें भी पोषक तत्व होते हैं और ये बड़े रूप में बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा यूरिया, अमोनियम सुपर फॉस्फेट, ये सब लोग, किसान लोग सिंचाई के बाद, सिंचाई के पहले इनका उर्वरकों को डालते भी हैं। इनके उपयोग से अच्छी कायिक वृद्धि होती है और स्वस्थ पौधों की प्राप्ति भी होती है, लेकिन ये आर्थिक दृष्टि से थोड़ी महंगे होंगे। और उर्वरक का उपयोग यदि हम ज्यादा समय तक भूमि में करते हैं तो भूमि की उपजाऊपन की क्षमता क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो उचित, इसके लिए उचित मात्रा, उचित समय, और जो डाल रहे हैं फर्टिलाइजर, वो उसमें बहुत सावधानियां रखनी पड़ती है। और यदि हम सिंचाई ज्यादा करते हैं तो ये उर्वरक पानी में बहकर चले जाते हैं और ये जो पानी है नदी या तालाब में चला जाता है और जल प्रदूषण का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण बनता है। तो जो उर्वरक उर्वरक है जो व्यावसायिक तौर पे हमने कारखाने में बनाया है, तो इसका यदि हम मिट्टी पर ज्यादा उपयोग करते हैं तो ये भूमि की उपजाऊपन को क्या कर देता है, घटाता है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थों की पुनः पूर्ति नहीं होती है और जो मिट्टी में सूक्ष्म जीव हैं वो उर्वरक के प्रभाव से मर भी जाते हैं और नेचुरल तरीके से हम खाद नहीं बना पाते। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो उर्वरक उर्वरक है, इनका उपयोग हमें बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। आजकल वर्तमान में एक बहुत ही उपयोगी एक पद्धति चल रही है, कार्बनिक खेती। आपके घर में या कई लोग सब्जियां जो फल आते हैं उसमें उर्वरक का उपयोग नहीं करते हैं, पीड़क नाशी इन सब का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो ये जो कार्बनिक खेती है, ये जो सब्जियां और जो फलों हैं
उनको पौष्टिकता प्रदान करती है और कोई भी हानिकारक उसमें पदार्थ नहीं रहता। तो इसमें क्या करते हैं, कार्बनिक खेती में कार्बनिक कृषि अपशिष्ट, कार्बनिक खाद, जैविक कारक, नीली हरी शैवाल, ये जो नदी तालाब में पाई जाती है, इनका उपयोग किया जाता है। नीम की पत्तियों और हल्दी का उपयोग कीटनाशक के तौर पर किया जाता है। मतलब हम पीड़क नाशी न डालकर ये नीम की पत्तियां और हल्दी का करेंगे तो ये सूक्ष्म जीवों, जो हानिकारक जीव है, उनको मार देते हैं। तो कुशल, अब हम देखते हैं कि जो फसल हम उगाते हैं उसके भी कई विधियां हैं। जैसे मिश्रित खेती कर सकते हैं, अंतर फसलीकरण कर सकते हैं, फसल चक्र कर सकते हैं। अभी आपको हम पढ़ाएंगे कि ये मिश्रित खेती क्या है। तो इस प्रकार हम ये अधिक से अधिक फसलीकरण की अच्छी उन्नत पद्धतियों के द्वारा हम फसलों उत्पादन की मात्रा क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे सिंचाई। भारत में सिंचाई का पहले साधन वही तालाब या कुएं था, और नहरें, तालाब, ये सब हमारे यहाँ सिंचाई के साधन हैं। और मानसून तो रहता ही है, लेकिन यदि मान लो मानसून समय पर नहीं हुआ तो फसल उत्पादन क्या हो जाती है, कम। सिंचाई समय पर करना पड़ता है। तो भारत में सिंचाई के बहुत सारे स्रोत हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कुएं, नहरें, नदियाँ, तालाब। कुएं आप जानते ही हो, कुएं एक जो हम गड्ढा कर देते हैं वहां से पानी निकालते हैं। और आजकल एक कुएं का जो दूसरा रूप है वो है नलकूप, मतलब वहां से एक पाइप निकाल दिया जाता है और फिर ऊपर आकर एक विशेष मशीन के द्वारा पानी निकाला जाता है, पंप के द्वारा। तो कुएं हैं हमारे भारत देश में, नहरें हैं, नहरें भी एक पानी को इकट्ठा करके जलाशय या नदियों से पानी को रोक दिया जाता है और नहरें से पानी प्रवाहित करके जहाँ पर आवश्यकता है उस स्थान पर भेजा जाता है। तो इस प्रकार खेतों में सिंचाई होती है। नदी जल उठाव प्रणाली, जिन क्षेत्रों में जलाशयों से कम पानी मिलने के कारण नहरों का बहाव अनियमित अथवा अपर्याप्त होता है, वहाँ जल उठाव प्रणाली अधिक उपयोगी है। जल उठाव प्रणाली में क्या करते हैं कि नदियों के किनारे खेतों में सिंचाई करने के लिए नदियों से ही सीधे पानी निकाला जाता है, इसको बोलते हैं नदी जल उठाव प्रणाली। और कई लोग तालाब का निर्माण भी करते हैं और छोटे छोटे गड्ढे बनाकर और पानी का संग्रह करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हम सिंचाई के द्वारा वर्षा के पानी को किस प्रकार इकट्ठा करते हैं और उनका उचित प्रबंधन द्वारा, कई लोग छोटे छोटे बांध भी बनाते हैं जिससे जल स्तर बढ़ जाए, और ये बांध वर्षा के पानी को बहने से क्या करते हैं, रोकते हैं, और मिट्टी के बहाव को भी, अपरदन मतलब मिट्टी का क्षय, जो मिट्टी का बहाव है उसको भी क्या करते हैं, रोकते हैं। तो इस प्रकार हमने पढ़ा सिंचाई। अभी हमने पहले बताया था कि मिश्रित फसल और फसल चक्र, अंतर फसला फसलीकरण। तो इस प्रकार हम इन विधियों का उपयोग करके अच्छी किस्म की फसलें प्राप्त कर सकते हैं ज्यादा मात्रा में। तो मिश्रित फसल का क्या मतलब होता है कि ये आएगा, बहुत आईएमपी प्रश्न है, मिश्रित फसल क्या है कि दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में उगाना। उससे क्या होता है, जैसे गेहूं और चना, तो उससे क्या होगा कि मान लो कभी गेहूं की फसल प्राप्त अच्छी नहीं हुई तो चना मिलेंगे, जिससे किसान लोगों को आर्थिक नुकसान नहीं होगा। तो आप सकते गेहूं के साथ चना कर सकते हैं, गेहूं के साथ सरसों कर सकते हैं, और मूंगफली और सूरमुखी। मतलब एक फसल नाइट्रोजन ज्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब कर रही है, भूमि में नाइट्रोजन देती भी है, और जिससे कि गेहूं को नाइट्रोजन मिल जाता है। तो इस प्रकार अलग अलग पोषक तत्वों को चाहने वाली फसलों को हम इस प्रकार उनका एक पैटर्न बना देते हैं और इस प्रकार फसलों को लगा देते हैं।
ये था मिश्रित फसल। तो प्रश्न आएगा आपका, मिश्रित फसल किसे कहते हैं और इससे क्या लाभ है। दूसरी विधि है अंतर, ये था एक मिश्रित फसल। दूसरी थी अंतरा फसलीकरण। अंतरा फसलीकरण में क्या करते हैं कि दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में, ये पैटर्न, ये चित्र आपको जो दिखा रहे हैं ना, इस प्रकार अंतरा फसलीकरण, इस प्रकार अंतर से उनको एकांतर क्रम में एक के बाद एक फसल को क्या कर देते हैं, लाइन से, पंक्ति मतलब लाइन से बो देते हैं। तो यहाँ पर हम कौन सी फसल ले सकते हैं, सोयाबीन, मक्का ले सकते हैं, बाजरा और लोबिया ले सकते हैं। तो जब फसलों का चुनाव करते हैं तो इस प्रकार करते हैं कि उनकी पोषक तत्वों की आवश्यकताएं अलग अलग हो, सोयाबीन अलग पोषक तत्व लेता हो, मक्का अलग लेता हो, जिससे भूमि में पोषक तत्वों का जो अनुपात है वो संतुलित हो सके। और पीड़क और रोग जो फैलाने वाले हैं, सूक्ष्म जीव, कीट हैं जो, वो क्या करते हैं, मान लो एक फसल पर लगते हैं, दूसरी फसल पर नहीं लगते हैं, तो हमें मतलब हमारी पूरी फसल खराब नहीं होगी और इस प्रकार उत्पादन अच्छा होगा और हमें आर्थिक रूप से हानि नहीं होगी। और तीसरी विधि है फसल चक्र। तीसरी विधि क्या है, फसल चक्र। क्या करते हैं फसल चक्र में कि एक ही खेत पर, एक ही जमीन पर हर वर्ष एक ही फसल ना बोकर हर वर्ष हम फसलों को अदल बदल दें, इसको बोलते हैं फसल चक्र। ऐसा करने से भूमि की उपजाऊपन की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और इस प्रकार हम दो या तीन फसलों से अच्छा उत्पादन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है फसल पैटर्न, मतलब फसलों के उत्पादन की उन्नत विधियां, मिश्रित फसल, अंतरा फसलीकरण और एक फसल चक्र को हम अपना सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो होंगे, मिश्रित फसल क्या है? क्या है? धन्यवाद।